नमस्कार, मैं हूं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों न्यूज चैनल जिस तरह से अखाड़े में तब्दील हो गए हैं, उन्हें देखना किसी जोखिम भरे काम से कम नहीं है, क्योंकि आए दिन जितने भी न्यूज चैनल में डिबेट्स हो रही हैं, वो तू तड़ा, गाली गलौज, एक दूसरे पर अपशब्द कहना और करेक्टर एसेसिनेशन से तो कम कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक नया पैटर्न है कि अब आपा खोकर एक दूसरे को पीटने पर उतारू हो गए हैं, और जिसके चलते सभी न्यूज चैनल की जितनी भी टीआरपी है वो बहुत तेजी से हाइप होती है। पिछले दिनों अगर आपको मामला याद होगा तो मौलाना साहब पिटे थे और जी सलाम की जो टीआरपी थी वो बहुत ऊपर गई थी और वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद वही जी न्यूज पर अब दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, ये एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं और बीजेपी के गौरव भाटिया। इन दोनों के बीच क्या बात हुई वो आप इस वीडियो में देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोनों ने ही ट्वीट किया, दोनों ने ही एक जैसा ही ट्वीट किया है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि पर्सनल कमेंट किए, लेकिन जब अनुराग भदौरिया उनको मारने आए तो गौरव भाटिया ने सिर्फ उन्हें खुद पर चढ़ने से रोका, जिसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस अनुराग को पकड़ के ले गई। एसपी के प्रवक्ता पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और नारा लगाने लगे। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ा गया और उसके बाद अनुराग भदौरिया ने ट्वीट किया और बताया कि क्या हुआ था। दोनों ही अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गलती सामने वाले की है, लेकिन गलती किसकी है वो आपको उस वीडियो में जरूर समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वायरल हो रहे वीडियो पर बात करना इसीलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि इन दिनों हिंदू मुस्लिम डिबेट से निकलकर व्यक्तिगत जो लांछन है उससे भी बात आगे बढ़ गई है। ये न्यूज जो डिबेट्स हो रही हैं वो पूरी तरह से अखाड़े में बदल चुकी हैं, और पहले तो डाइवर्जन करने की कोशिश होती थी, इस बार मार पिटाई तक पर भी ये लोग उतारू हो गए हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ध्यान बटाया जाए, 2019 के चुनाव को लेकर लोगों को बहकाया जाए और किसी एक पार्टी के लिए पक्ष में माहौल बनाने के लिए हाथापाई से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं।